अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। ऐसे होता तेरा? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आपका। एक ब्रांड न्यू व्लॉग में भाई वेलकम करता है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, तबीयत सेहत ठीक ठाक गुजर रही होगी और दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्यों नहीं गुजर रहा होगा, क्योंकि हमारे पास गोविंदा है। नाश्ता करने के बाद मैं जा रही हूँ सैलून, क्योंकि मेरे बाल इतने 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 खराब हो गए, बिल्कुल एंड्स डेड हो गए। तो अभी मैंने अपने बाल कटवा लेने और इतने इतने कटिंग करवा के रहूँगी मैं। इतनी इतनी तो नहीं मतलब, लेकिन जितने भी रफ है एक दफ़ा कटेंगे ताकि वो अच्छे से बढ़े। और इसके बाद हमने करना है पॉडकास्ट और उसके बाद हमने जाना है एयरपोर्ट, और टाइम बहुत कम है क्योंकि हमारी टिकट है, हमारी फ्लाइट है 5 बजे की और अभी 1 बज रहा है। और अभी मैं सैलून जा रही हूँ, वहाँ से बाल वाल बनवा के आऊँगी, फिर पॉडकास्ट करेंगे, फिर वहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे। तो हमेशा हम एयरपोर्ट के लिए लेट होते हैं, लेकिन आई होप सो कि हम लोग टाइमली सब कुछ कर लें और मेरे बाल कट के अच्छे लगे, क्योंकि छोटे बाल मुझे खुद भी नहीं पसंद, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान में ना लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, इतना कॉन्फिडेंस है कि रोड के ऊपर गाड़ियाँ जा रही हैं और 2 लड़के बाइक साइकिल पे रोड क्रॉस करें चल के, और अचानक ब्रेक लगाई और पीछे से धड़ 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 गाड़ियां लगी। ये रहे मेरे बाल, कटिंग हो गई है। अभी ब्लो ड्राई वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, अभी ब्लो ड्राई करके आपको सही से सेट करके बाल दिखाते हैं। रफ कट गए ना सारे बाल, बस अब सही, अब सुकून हो जाएगा। स्प्लिट एंड्स तो नहीं होंगे ना, टूटे हुए नहीं होंगे एटलीस्ट। हेयर कट इज़ डन और बाल छोटे तो हुए हैं। मैंने अपनी बहन को दिखाया है सबसे पहले और शी वॉज लाइक के बाजी आपको लारे भाई ने कटवाने दिए, और अभी कोई और ऑप्शन नहीं था गाइस मेरे पास बाल कटवाने के अलावा। ओए सामने वाली खिड़की में कौन आ गया भाई, इधर चमो लोग को। एजल मैडम क्या हुआ? एजल मैं जा रहा हूँ, एजल टाय बुझा रहे हैं, बाय बाय। ओए गुड्डू कोको मेलन देख रही भाई, ये तो एजल बाय बाय। ठीक है भाई, ठीक है एजल, ठीक है, ठीक है एजल। एजल मैं जा रहा हूँ, मम्मा भी जा रही है, बाय बाय। चोमो लोग को हम लोग जो हैं भाई अब जा रहे हैं पॉडकास्ट के लिए, जो कि हमारा खसूसी बहन करेंगी, जिस पे इन्होंने हमें बाहर डांटना है। मेरे से कोई अच्छी चीज नहीं तुम लोगों को मिलेगी, सिर्फ गलत चीजें मिलेंगी। हाँ ना, नहीं गलत चीजें मुझसे मिलती है शैतान से। वो देखो फौरन मासूम शुक्ल, देखो ऐसी बनाते हैं जैसे पता नहीं, पता ही रोटी को चोची कहते हैं। चूचे की तो टांगे टूट गई, चूचे की टांगे। कल देखा चूचा चूचा कह रहे थे, अंकल को लगा ये कौन सा चूचा मांग रहे हैं, नाम ही नहीं आ रहा था किसी को, सारे कह रहे चूचा चूचा। हम लोग जो है भाई इनके ऑफिस आ गए हैं और यहाँ से इन्होंने साइकिल रखी हुई है कि भाई साइकिल पे कौन चलाता है। साइकिल ये है कि जब कभी हम आपको चुपेड़े मार के भेजे गाइज, यहाँ पर हंसना था, सब हंसेंगे यहाँ पे सब। इस वाले जो जिस भी मिनट पे ये क्लिप है उस मिनट को टैग करके सबने बोला हा 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 हा। चलो गोविंदा लेट्स गो। हैं दिख गई आपको? हाँ वो दिखो। ओके वेटिंग, अब लिफ्ट का बाप भी नहीं चलेगा। रुक टेकिट ऑन टाइम पहुंच गए, ये लोग भी मेरे साथ पहुंचे। मुझे लगा था कि पीछे कोई अकलमंद होगा, वो बैठे होंगे सब कुछ सेट करके, लाइट वाइट साउंड चेक किया होगा और मैं जाऊंगी और बस शुरू हो रहा होगा। लेकिन मैं भूल गई थी ना कि मैं नहीं हूँ, जरना आप फातिमा नहीं है ना, तो अभी टाइम कम है, तकरीबन 2:45 हो रहे हैं और बस 3:30 तक नैन भाई ने बोला कि तुम निकलना, मतलब आप लोग निकल जाना, और कमल ने बोला है कि 3:40 तक तुम निकलना। अब देखते हैं इसके बीच में ही निकलेंगे। और कितना सफर है एयरपोर्ट तक? अगर फ्लाइट निकली छोड़ कर आओगे बाय रोड? हाँ छोड़ेंगे, पक्की बात है, पक्की बात है। ऑन एयर बोल दिया है? हाँ ऑन एयर बोल दिया, पक्की बात है। 10 दिन बाद छोड़ के आओगे, बस ठीक हो गया, बस डन हो गया। कहाँ रहना है? 10 दिन मैंने बोला भी है, ये क्या बात है, चल बस ठीक हो गया, ये भी ऑन एयर बोला। डन, बाय द वे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, जितने मेरे रिलीवर बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा बहुत शुक्रिया, जितने मेरे रिलीवर के पैसे हैं वो भी तुम दोगी? ठीक है मेरे जान, बस ठीक है, फिर मैं रहूंगी, और कुछ बस इतना ही। बहुत ही सैड हूँ मैं, क्योंकि अभी जो है ना वो ये हुआ है। अभी तो बस बोलिस मेरा बॉप कट करते, मुझे याद आएगा मेरे घर में मेरा शोहर है, मुझे घर आने नहीं देगा, क्योंकि मैंने बॉब कट नहीं करवाया। शोहर देगा? शोहर दाखिल नहीं होने देंगे मेरे पति परमेश्वर।
यार जल्दी करे, क्या करे नैन भाई, किस लिए रखा हुआ आपको काम पे? बंदे डील है इनका, ऐसे थोड़ी काम होता है यार। मैं हेल्पर हूँ तो मुझे पता है। 50,000 तुम्हें देते हैं अभी भी, तो मैं हेल्पर हूँ। अबे तेरे मुंह पे मारता हूँ, तेरी ये नौकरी जा रहा हूँ। चलो भाई अब हम लोग जो है ना वो अपने अपने घर जाने ही कर रहे हैं, क्योंकि जाएंगे फैसलाबाद, हम जाएंगे कराची। और सॉरी हम लोग आपको एयरपोर्ट नहीं छोड़ने जा रहे हैं। बस देखा गुस्सा आ जाता है, बता दिया ना कि फेवरेट उसमें। मगर वैसे बहन आपका जो है ना मियाँ तो बहुत प्यार है, मगर ये आपका ऑडियो वाला बहुत गंदा है यार। मैं उदास हूँ यार, तुम लोग जा रहे हो अल्लाह के दिल में लड्डू लड्डू बोल रहे हैं। चल भाई पहले सहेलियां मिल लें। यस बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने सारे प्यार मोहब्बत खलूस के लिए, आई लव यू वेरी द मच। और अपने अब मैं तुम्हारा मसाज नहीं कर सकूंगा। yes. अब मैं जा रहा हूँ, अब खुद कर लेना मैनेज। बहुत फर्क पड़ा था मेरी कमर को। चलें भाई गोविंदा अपना बहुत सारा ख्याल रखो, खैर से पहुँचो वहाँ पे, हम भी जल्दी जल्दी पहुँचते हैं, ये उड़ा के पहुँचा देंगे बस हम इंशाल्लाह। हाँ अब तो मेरी बेगम हो गई है। चलो जकी भाई बस ये है कि पहुंच के मुझे मैसेज कर देना जैसे हाँ, वो हाँ, मिल जाए। डन डन डन, ये इनको बाहर ही खड़े रखना, ठीक है? ओके ओके, इनको बाहर ही खड़े रखना। चल भाई अल्लाह हाफिज़। ओके बाय, लव यू, टेक केयर। ये कमल ने जो है मुझे अनार और अमरूद पैक करके दिए कि तुम जो है वो खाती जाना, और बस निकल रहे हैं अब फटाफट, बस पहुंच जाए क्योंकि हम हमेशा पता नहीं क्यों हम लोग लेट होते हैं, मुझे ये नहीं समझ आता। और हम लेट होते हैं लारिब की वजह से, क्योंकि लारिब उठते नहीं है जल्दी, लेकिन आज तो हमें पॉडकास्ट करना था ना, तो उसकी वजह से भी हम थोड़ा सा लेट हो गए और हम अच्छे से पॉडकास्ट भी नहीं कर सके। इसलिए आप लोगों ने जब पॉडकास्ट देखना है तो आप लोगों ने उसके नीचे कमेंट करना है कि वी वांट पार्ट टू। खैर उस वक्त तो भाई लोग साथ थे और बहन थी साथ, तो मैंने उस वक्त कुछ बात भी नहीं कर सके। और जो है ना वो जरनाब मैडम जो है ना मुझे बार बार अपने बाल कटवाने का बोल रही थी, और इसलिए भी बोल रही थी क्योंकि वाकई जो है बाल बहुत डैमेज हो गए थे, मतलब नीचे से तो बहुत ख़राब हो गए थे, क्योंकि हमारी शादी के बाद बैक टू बैक शादियां ही शादियां शादियां ही शादियां, इतनी शादियां थी कि बस आज या आखिरी शादी जो है ना वो ख़त्म हुई है हमारे दोस्तों में से। जरनाब गई बाल कटाने सुबह, मुझे बोल के गई कि भाई पता नहीं इतने बाल कटेंगे, मैंने कहा इतने कटेंगे तो ठीक है, मतलब चिप्स जितने साइज़ के। पर अभी जब ये आई है ना मैडम तो ये करा कर आ गई, आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा तो होगा भाई, लड़का ही बनकर आई थी, मेरे जितने बाल करा लेती, हंसने की तो बात नहीं, इतना कोई कॉमेडी तो हुई नहीं है। आप मुझे आप फ़ोन भी कर सकती थी, आपके पास फ़ोन भी था, एंड्रॉयड भी था, मोबाइल भी था, कि आप बोलें लाली ये इस तरह का मसला है, कोई बंदा पूछ रहे थे ना मुशावरत कर लेता है, ऐसा तो नहीं हर चीज़ अब आप खुद से ही हर चीज़ करने लग जाओ अगर मैं कुछ बोलता नहीं हूँ तो। और अभी ये स्टाइल इस तरह हुआ है तो पता ही और छोटे लग रहे हैं, क्या करके आई हैं? वो तो उसने ऐसे किया हुआ ना, मैंने ये ऐसे सीधे हो गए, सीधे होके बड़े पाँव तक आ रहे हैं भाई, वाह चल रहे हैं ये देखिए ऐसे जैसे आ रहे हैं ना बाली, देखिए अभी भी कैसे आ रहे हाथ में, ऐसे बाल झड़ रहे हैं मेरे, ये ले इस दुख से बाल कटवाए। नहीं मगर ख्याल रखें आप ऑयलिंग वगैरह करें यार, आपको ऑयलिंग तो मैं कर रही हूँ, ऑयल की वजह से तो अब तक मेरे बालों पे सर सलामत, ओ सर पे बाल सलामत है जो मैं ऑयल यूज करती हूँ, दैट इज वेरी गुड, उसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया है। लेकिन मैंने बोला था कि अभी एक दफा जब बाल डेड हो जाते हैं ना तो वो कटवाने ही पड़ते हैं, सलोन वाले ने मुझे ये बोला कि आपके बाल कटेंगे, और अभी तो वो कह रही थी थोड़े और, मैंने कहा नहीं नहीं मेरे मियाँ मुझे घर से निकाल देंगे, और अभी रमजान है ना पूरा, मैंने कहा रमजान में ना शादी ना ये आना ना जाना, बस तो मैं अच्छे से ऑयलिंग करके और ख्याल रखूंगी बालों का तो जल्दी बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह, बस ही कर जाए बेब जी भी पता नहीं क्या। शादी से पहले कोई इंसान था जो कहता था शादी कर लो ना, शादी के बाल इतने इतने भी करवा लेना, चुप हो जाए भैया, मुझे खुद भी छोटे बाल नहीं पसंद, सबको पता है, चुप बस ठीक है ठीक है बस। हमने जो है ना होशियारी करी है ना जो, तो आप अपनी अम्मी को दिखाने लगी है। आपको कैसे लग रहे हैं? हाँ जी रस्ते में ये एयरपोर्ट ही जा रहे हैं, विलियम रियल में देख लेते, सही है अच्छा क्या हाल है मम्मा? ये करने से पहले जूता पकड़ के मुझे कहना था कि मम्मा से बात कराओ। क्या किया, क्या हुआ? नजर आ रहा है पीछे पड़ी हुई है। क्या किया बालों को? कुछ भी नहीं किया। क्या किया है? कटिंग कराई हुई है, ये देखो ये अच्छे नहीं लग रहे। थोड़ा गंजी थोड़े थोड़े क्या गंजी हो जाओ सीधी। लारेब किधर है? लारेब नहीं कहा था मम्मा बाल कटवाओ, कह रहा मुझे छोटे बाल अच्छे लगते हैं, ये लो। मैंने नहीं बोला, अल्लाह की कसम मैंने नहीं बोला, अल्लाह की कसम मैंने नहीं बोला, इसने खुद कराए हैं, मुझे बोल के गई इतने से बाल कटेंगे इतने से, और इतने सारे कटा कर आ गई। दिमाग में सही है, चौथे के दिन जाके बालों से पंगा लेती हूं। इतने सारे
सारे बाल कटा कर आ गए, मुझे तो इतने से बोले थे एक एक उंगली जितने बाल कटेंगे कि इतने खराब हुए हैं। उसने बोला कि बहुत खराब थे, ज्यादा काट दिए, इतने बड़े गुच्छा बन गया था जो काटे, बहुत सारे बाल काटे बोले। अच्छा अच्छे लग रहे हैं या नहीं ये बताओ। अच्छा अब नहीं कटवा, अब नहीं कटवाने, लाली आधे घंटे से चीकू को समझा रहे कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं और देखो जरा, वाह भाई जान वाह। अंजी नाइस हेयर कट, थैंक यू, अच्छा लगा ना, वाह उसने मेरे लिए दिया है, इतने प्यार से दिया, मैं तो नहीं छोड़ के जाऊंगी, ये दे दे मैं लेकर जाऊंगी अपने साथ, कमल ने दिया मुझे। नहीं नहीं नहीं, we successfully made it to the airport और अभी हम, और अभी भी we have 20 freaking minutes left, you know, और मैं ये देखो नहीं बैठू, नहीं बैठू अभी, सुकून से बैठेंगे, देखेंगे लोग कैसे बैठ रहे हैं, कौन कितने बैग लाए, दरी बिछाओ, अमरूद खाऊंगी मैं तो पूरे एयरपोर्ट पे पकड़ के घूम रही हूं, बोला हमें पर पे जगह मिली कसम से, मैं बहुत पीछे जगह मिली 24 मुझे देख के इसलिए नहीं हंस रही क्योंकि किड्स यूजुअली लाफ एट कार्टून्स, यू नो, दुनिया का सबसे कामयाब कार्टून हूँ फिर मैं बच्चों के लिए, बैठ गए हम लोग और आज हम बैठे हैं बिल्कुल एग्जिट पे, आप खोलेंगे दरवाजा चढ़ा ना ना, और चीकू बेचारी आगे बैठी है, जमीन पे खा रहा है, खोलेंगे मेरा तो हाथ पकड़ के बैठी हुई थी पूरी 24 घंटे फ्लाइट में, मेरे से आज आप बात नहीं करना, जो आप लिखा हुआ है मैक्सिकन चिकन पिज्जा पाए, मगर बनाया किसी वकार भाई ने होगा, है ना, हैमबर्गर लग रही है आपको। गाइस लगेज आना हो गया है बंद, उन्होंने बोला कि मिसिंग है एक बैग और वो बैग है मिसेस लारा का, लेते सब चले गए, हम ही रह गए, किस्मत का खेल है सारा, एयर ब्लू जो है ना पहले मेरा बैग तोड़ दिया पिछली फ्लाइट में, और अभी जो है ना इन लोगों ने धरना का बैग घुमा दिया, अब घुमाया या मिल रहा है पता नहीं क्या सीन है, मगर एयर ब्लू बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है, हालांकि हम इतना फ्रीक्वेंट फ्लाई करते हैं एयर ब्लू में, पिछली फ्लाइट में हमेशा इनका खाना इंजॉय करते, पिछली फ्लाइट में इनका खाना खराब था, जो मैंने इतना बड़ा लेक्चर लिखा है उसमें, और हमारा बैग आ गया, कहाँ से आया भाई, कौन ले गया था, कौन ले गया था बैग हमारा भाई, भाई ले गए थे, बहुत ही खुआरी हुआ थी भाई, गलती से हमारा बैग ले गए थे, खैर हमारा बैग अब आ चुका है, तो फाइनली हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गए और बहुत अच्छा लग रहा है, घर को देख के अच्छा लग रहा है, और बस अभी मैं अपने मियाँ से पूछूंगी कि मियाँ जी आपने क्या खाना है, जो उन्होंने खाना होगा मैं बनाऊंगी, फिर सो जाऊंगी, सुबह मुझे ड्यूटी पे जाना है, ये सोच के ना मेरी खुशी आधी से भी कम हो गई, पता नहीं कब 6 महीने गुजरेंगे मेरी जान छूटेगी यार, खैर बस अभी अभी घर पहुंचे, थोड़ा रेस्ट करते हैं उसके बाद खाना बनाते हैं उसके बाद सोते हैं। घर आते ही इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमारी बास्केट के अंदर चूहा नजर आ गया, कहाँ है, ओए भाई ये देखो, अरे कहाँ जा रहा है, कहीं ट्रिप पे जाते हैं, मेरी जेरी कैसे आ रहे थे घर में, गाइस वो रहा तुम बिखरी, गाइस वो रहा, हम जब कहीं जाते तब आता, मतलब हमारे होते हुए कोई मामा नहीं आता घर में यार, मेरे पास एक आइडिया है, क्या वो कहाँ है बेगौन, उससे बेहोश हो जाएगा, नशे में आ जाएगा वो, उसके साथ वाले ड्रोन है, मर गया फिर लाली स्प्रे निकालने गए, किंग टॉक सही, तो कभी भी असर नहीं करेगा ये उस पर, बेहोश तो हो जाएगा, चुप तो नहीं होगा इससे, इतनी सी स्प्रे से बेहोश होगा, वाह ही करने लग गया था ना वो, तो और क्यों कर रहे हैं फिर, इतना खामोश चूहा यार,
चुप करे, नहीं बोलते मामा बोलते लारे फयाज भाई को लेकर आए हमें रेस्क्यू करने के लिए और रैकेट के साथ, मतलब सीरियस, मतलब एक रैकेट साथ क्या करोगे, मुझे बताओ क्या करोगे आप। लारे हटे, कहाँ गया? दरवाजे बंद है ना सब कमरों के, मैं बता रही हूँ। फ्रिज के नीचे चला गया है। इस साइड से भागेगा वो, इस साइड से जा। हाँ। बाहर भगा देना लाली, आप तो पीछे हटे। ये ले स्प्रे और अभी स्प्रे करेगा ना, भागेगा। हटे दे तो मैं मारूं किसे। लाली लिटरली आपको लगता है कि आप इस जूते से उसको मार देंगे यार? बस गुस्सा खराब है। फ्रिज हिलानी पड़ेगी यार, वो आई गेस वो फेंट हो गया है स्प्रे की वजह से। मक्खी के स्प्रे से मामे को पकड़ रहे हैं उसको, सिर्फ हम चस चूहे की चस टोटा। बस बजानी 500-700 रुपए का, तू उसको बाहर निकाल दे 500 नाम नगद, हजार। तो भाई अभी जो है सामान लाली भाई लेकर आए हैं। बेगम साहिबा ने कहा है कि लाली जी खाना घर में ही बनेगा और आज बनेगा फुल ऑन शोरबे वाला चिकन, मगर उसमें डलेंगी टिंडियां। टिंडियां ही लाया हूँ, मगर आई डोंट लाइक टिंडियाज, नहीं मैं नहीं खाता, मुझे नहीं पसंद टिंडियां स्पेसिफिकली। थोड़े आलू डाल दिएगा उसके अंदर प्लीज। नहीं ना डाले, मैं ऐसे शोरबे में डाले खा लूँ। नहीं खाएंगे, मैं खाते ही नहीं शौक से, एक खा लूंगा बस। गर्मा गर्म जो है जरनाब ने बना दिए है चिकन ते टींडे ते ये रायता तो खीरे कटे में रोटी छोटी खा के आग में कुछ चला गया। अल्लाह थैंक यू, बहुत अच्छा खाना बनाया आपने, खा के बताऊंगा। अच्छा ही बनाती जनाब। चलो भाई खाते हैं फिर बताते कैसा है। भाई साहब क्या VIP चिकन और टिंडे बने, मैंने कहा था मैं एक टिंडा खा लूँगा मुँह बना के, आपका भाई दो खा गया और भी खा रहे हैं, रोटियाँ भी एक्स्ट्रा बनाया, वेरी गुड। बेगम जो है वो मेरी सो गई है और आपके भाई को लगी थी लेट नाइट भूख, तो आपके भाई ने जो है ना बना ली है 1 बाइट 5 जो मैं खाऊँगा 10 बाइट्स में, तो सुकून से फिर आ जाएगी नींद। गाइस कल के व्लॉग के लिए तुम लोगों ने बहुत सारा प्यार बरसाना है, क्योंकि कल के व्लॉग में कुछ ऐसा होने वाला जो मैं ज़िंदगी में भी कभी नहीं सोच सकता, ना मेरी नीयत है ना कभी मैं करूँगा, और वो ये है कि तुम लोगों को अगले व्लॉग में पता लगेगा। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दो, प्यार बरसाते रहो। आप लोगों के बहुत कमेंट्स आते हैं लाली बिल्कुल एक्टिव रहो यूट्यूब पर, तो पूरी कोशिश होगी कि भाई रेगुलर हो जाएँ, तो बहुत सारा प्यार बरसा दो, अपनी दुआ में याद रखो। लाली आउट, गुल आउट, ओके द बाय।